न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हर की पौड़ी को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए एक विस्तृत DPR तैयार की जाएगी और सभी के सहयोग से एक दिव्य हरिद्वार का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। उनके मंत्रिमंडल और सभी एजेंसियों ने इस पर ही काम करना शुरू कर दिया है और कॉरिडोर निर्माण के लिए सभी संस्थाओं के सुझाव भी मांगे जाएंगे। जो OBC वर्ग के हितों में जो निर्णय लिए गए हैं, जो पिछले 60 सालों में कोई भी जो निर्णय 70 सालों में नहीं हुए, वो सभी काम पिछड़ा वर्ग के लिए लिए गए हैं, गरीबों के लिए लिए गए हैं, उसी पर यहाँ पर चर्चा हुई है और हमारे सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं जो केवल और केवल गरीबों को समर्पित है। डोईवाला के लच्छीवाला में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को हरिद्वार लोकसभा के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और डोईवाला के विधायक ब्रिजभूषण गैरोला के साथ सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना है और कार्यक्रम के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पारित किए गए कठोर नकल विरोधी कानून को कठोर और ऐतिहासिक कानून बताते हुए सांसद विधायक और युवा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है और कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और डोईवाला के विधायक ब्रिजभूषण गैरोला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा की डबल इंजन की सरकार देश में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। आज मन की बात में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान से लेकर परंपराओं से लेकर संगीत और जो हमारे प्राचीन इस तरीके की धरोहरें हैं उनसे लेकर के और युवाओं बहुत सारे विषयों को छोटी छोटी बातों को हमारे साथ बांटा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री शायद दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने 130 करोड़ लोगों से अपनी मन की बात को बांटते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब भी मन की बात का कार्यक्रम हुआ है तो यहाँ पर हमारे प्रदेश के जहाँ देश के विभिन्न चीज़ों की जानकारी दी, हमारे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में समाज के रूप में काम करने वाले जो भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका भी उल्लेख समय समय पर मन की बात के कार्यक्रम में हुआ है और वर्तमान में और जो नकल बेदी कानून हमारे चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले के थाना धुमाकोट पुलिस ने 85 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तस्करी में प्रयुक्त कार को सीज कर आरोपी के खिलाफ NTPS एक्ट में ही मुकदमा दर्ज किया गया है। SSP पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया है कि सिमड़ी पुलिस चेक पोस्ट धुमाकोट के पास एक कार को ही चेकिंग के लिए रोका गया और इस दौरान कार में 85 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आरोपी की पहचान रणवीर सिंह निवासी वार्ड नंबर 15 मोहल्ला काजीपुरा थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है और आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि वो सनोज नेगी नाम के लड़के से गांजा खरीद कर लाया है और SSP पौड़ी ने यह भी जानकारी दी है कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पौड़ी पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में धुमाकोट क्षेत्र में जो लगातार नशे की सप्लाई की सूचना मिल रही थी तो कल थाना प्रभारी धुमाकोट व उनकी टीम को एक सूचना मिली जिसमें वाहनों की चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रोका गया और उसमें लगभग 85 किलो गांजा जिसकी बाजार की कीमत 13 लाख आंकी गई है वो बरामद किया और इसमें जो मुख्य अभियुक्त मुरादाबाद का रहने वाला है और इसके द्वारा जब डिटेल्ड इंटरोगेशन किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि यह माल वह सरायखेत अल्मोड़ा से लेकर आ रहा था। जो भी तथ्य इंटरोगेशन के दौरान मिले हैं उनको विवेचना में सम्मिलित।
उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की लड़ाई अब पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और सीनियर एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी लड़ेंगे और हरिद्वार पहुंचे स्वामी ने ही बर्खास्त कर्मचारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सरकार 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी को वापस ले, नहीं तो वे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों को बर्खास्त कर सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है जो कि असंवैधानिक है, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की जीत निश्चित है। हरिद्वार पहुंचे उन्होंने कहा कि हरिद्वार में बनने जा रहे हर की पौड़ी कॉरिडोर को भी गलत ठहराया और साथ ही कहा कि देवभूमि का स्वरूप बना रहना चाहिए। आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता खबर उन्नाव से है, जहां सफीरपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रियर गांव में ही एक किशोरी का शत-विशत शव मिला था और जिसका उन्नाव पुलिस ने सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से खुलासा करते हुए घटना में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी से इस घटना की पुष्टि हुई है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेजा जा रहा है। देखिए, जो जिस प्रकार से इनके द्वारा घटना की गई, तो जो अभी काफी शातिर प्रकार के हैं, इनके द्वारा इस तरीके से घटना को कारित किया गया कि लगे पुलिस को एक्सीडेंट की घटना है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने सीएम योगी के माफिया को मिट्टी में मिला देंगे वाले बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि सीएम के शब्द जो है अनपार्लियामेंट्री है और जो पूरी तरह से गलत है। अल्फाज पार्लियामेंट्री होने चाहिए, इस तरह तो जाहिल आदमी भी नहीं कहता। और इसके साथ ही बता दें आपको कि प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बयान दिया था कि माफिया को सरकार मिट्टी में मिला देगी, और इस बयान को उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी खरी खरी सुनाई थी। सरकार की आज तक की पॉलिसी जहां तक ताल्लुक है, ये माफिया वाले जितने भी लोग हैं कहां कंट्रोल कर रहा, सब ये गड़बड़ हो रहा। यहां तक के अब इतना बड़ा हादसा हो गया अडानी का, जिससे के करोड़ों यानी यहाँ की जनता परेशान है, और LIC वाले तो कह रहे हैं कि 50 दिन में 50,000 करोड़ का कितने का नुकसान हुआ है। तो इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इन माफियाओं पर कंट्रोल करने के लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे के मतलब ये कि वो लोग जो बड़े बड़े माफिया हैं वो और ज्यादा पनप रहे हैं बजाय इसके। थाने में तैनात सिपाही ने रविवार शाम फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली है, और मिली जानकारी के अनुसार अलहगंज थाने में तैनात केशव निवासी थाना खरखोदा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के सिपाही के पद पर कार्यरत था। वो नगर के ही मोहल्ला बगिया निवासी सलीम के मकान में किराए पर कमरा लेकर रहता था और विकास रात्रि की ड्यूटी पर गया था। शनिवार रात्रि की ड्यूटी करके रविवार को ही वह सुबह अपने कमरे पर चला गया, और जिसके बाद रविवार शाम 5:30 बजे SHO द्वारा ही ग्रुप में ड्यूटी के लिए मैसेज भेजा गया। उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र के घुरामऊ गांव में शादी समारोह में ही कॉफी मशीन में अचानक विस्फोट से ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। कॉफी मशीन से ही अचानक विस्फोट की खबर सामने आई है। बताते चले कि अचानक विस्फोट में ही 5 लोग घायल हो गए हैं और 2 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। आनंद फानन में घायलों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर में बता दें आपको कि बारात में जयमाल के दौरान ही जमकर बवाल और मारपीट हुई है, जिसके बाद दबंगों ने 2 वीडियोग्राफरों को ले जाकर जमकर पीटा है। दोनों को घायल अवस्था में भट्टे के पास लाया गया, और जहां पर दोनों के पास से ही कैमरे और रुपए और एक बाइक गायब बताई जा रही है। दोनों को CSC महेंद्र से ही जिला अस्पताल रेफर किया गया है, और दोनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज भी चल रहा है।
महिलाओं से बदतमीजी करके भाजपा नेता को महिलाओं ने बीच चौराहे पर जमकर पीटा है। बता दें जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति को पकड़कर पीट रही महिला व्यक्ति को गाली देने और रोज पीछा करने की बात कहती नजर आ रही है। सदर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर महिलाओं ने बीजेपी नेता को जमकर पीटा है। तो सिद्धार्थनगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गुस्साई महिलाओं ने बीजेपी नेता को जमकर पीटा है। बता दें साफ तौर पर वीडियो में महिलाएं आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं कि बीजेपी नेता उनके साथ गाली गलौज करता था और इसके साथ ही उनका पीछा भी किया करता था, जिसके बाद महिलाओं ने सबक सिखाने का प्रयास किया और उस नेता को जमकर पीटा। करनी सेना के फायर ब्रांड नेता सूरज पाल अम्मू के हाथों से एक जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह के सौजन्य से हर साल की भांति इस बार भी पत्रकार सम्मान समारोह 2023 का बरेली IMA हॉल में आयोजन किया गया। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्मू जी अपने नेशनल चीर परिचित अंदाज में ही सनातन धर्म में संस्कृति इतिहास में खिलवाड़ करने वाले अखंड भारत सनातन राष्ट्र जिसका इतिहास युगो युगो पुराना है, ऐसा कहा है। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से है, जहां वन विभाग में तैनात रेंजर ने ही अपने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। क्या जानकारी? ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, किन कारणों से उसने ऐसा किया और इसकी एक जांच का विषय है और बाद में, अभी तो दुखद घटना है, इस समय इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं। सर, कुछ विभागीय जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कुछ जो है विभागीय पत्राचार की वजह से शायद तनाव की स्थिति, कोई ऐसा सूत्र हो बताए, ऐसी कोई बात नहीं है। सूत्र है तो उसका नाम बताए, सामने आगे बताए, ऐसी कोई घटना है इस दुखद घड़ी में और हम कुछ नहीं कह सकते। खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से खबर सामने आई है, जहां पर वन विभाग में तैनात रेंजर ने ही अपने सर्विस राइफल से ही खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बताते चले, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक आत्महत्या की गई है, उसके कारण का अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने एप्पल मिशन के तहत ही कराली गांव में जिला उद्यान विभाग की ओर से 500 सेब की पौधे दिल्ली से ही लौटे प्रवासी आनंद सिंह नेगी को दी गई है, ताकि सेब बागवानी को जिले में बढ़ावा मिल सके और वहीं प्रवासी भी गाँव लौट कर बंजर खेतों को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर आबाद कर सके। और इस दौरान ही गढ़वाल सांसद द्वारा कई गाँव के अन्य ग्रामीणों को भी सेब और के पौधे बांटकर बागवानी को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया गया है। तो पौड़ी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर तीरथ सिंह रावत ने सेब के पौधे बांटे हैं। और यहां पे इसके साथ ही आपको बता दें कि जिला उद्यान विभाग की ओर से 500 सेब के पौधे दिल्ली से लौटे प्रवासी आनंद सिंह नेगी को दी गई है, और ताकि सेब बागवानी को जिले में बढ़ावा मिल सके और वहीं प्रवासी भी गाँव लौट कर बंजर खेतों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आबाद कर सके। इस दौरान ही गढ़वाल सांसद द्वारा कई गांव के अन्य ग्रामीणों को भी सेब और कीवी के पौधे बांटकर बागवानी को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया गया है। यह है कि हमारे इतनी सुंदर भूमि है, इतनी सुंदर जलवायु है, इतने बढ़िया मौसम है, यहाँ हर प्रकार के फल हो सकते हैं, यहाँ हर प्रकार की सब्जी होती है। मैंने अभी 10 पॉली हाउस लगाए हैं यहाँ बगैर पानी के। इतनी अच्छी मिट्टी है कि पानी थोड़ा आने में मुझे मेरे को समय लगा। रोपण का आपका कार्यक्रम था, विधायक जी क्या था? आज विकासखंड कोट के अंतर्गत वीराली ग्राम सभा के आनंद सिंह नेगी और उनकी धर्मपत्नी दोनों का प्रयास रहा और उन्होंने अपने गांव में एप्पल मिशन के तहत हरिद्वार के पंचपुरी गढ़मीरपुर में हजरत इमाम हुसैन के योमे पैदाइश इलादत की ही खुशी में हुआ 3 दिवसीय उर्फ का आयोजन हुआ है। और मुस्लिमों के तीसरे इमाम हजरत इमाम हुसैन की योमे पैदाइश
विलादत को ही पंचपुरी गढ़मीरपुर में 3 दिवसीय उर्फ के ही साथ मनाया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्य आयोजन महफिल नूर के नाम से गढ़मीरपुर में मौजूद करबला में हुआ है। इस रोजे अथर पर हजरत इमाम हुसैन के रोजे पर तमाम दूर दराज से आने वाले जायरीन ज़ारत के लिए भी आए हैं और मखसूस तरीके से हजरत अल्लामा मौलाना शब्बीर वारसी साहब जो बयानात के लिए तशरीफ़ लाए हैं उनके बयानात के सुनने के लिए आए हुए हैं और उनके बयानात से अपने दिल को अपने कुलूब को मनवर और मजल्ला फरमाते हैं। हम अपनी बस्ती से और अहले इस्लाम से आशिकाने अहले बैत अत्थार से मौद्दिबाना दरख्वास्त भी करते हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में IDPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत कृष्ण नगर कॉलोनी के तिराहे पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है और जिसके सिर में गोली लगी हुई है। शव के पास एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई है और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय युवक ने पुलिस को सूचना दी कि IDPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत कृष्ण नगर कॉलोनी के तिराहे पर एक युवक की लाश पड़ी है और सूचना के आधार पर कोतवाल खुशी राम पांडे भी मौके पर पहुंचे और मौका आपको बता दें कि मुलायना करने के लिए ही कपड़ों से मिले दस्तावेज के आधार पर मृतक की पहचान अनिल निवासी साधुपुरा जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।